हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुस्कैड। आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू नो द कन्फर्मेशन, अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर। एक जैसे आपने अपनी कोई बात कही कि क्या कल बारिश हुई थी, नहीं हुई थी क्या, आपने बात कही क्या कल बारिश हुई थी, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपने बाद में पूछा नहीं हुई थी क्या, तो दैट इज कंफर्मेशन और क्वेश्चन टैग। ठीक है, एक छोटा सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिससे आप, जो आपकी बात सुन रहा है लिसनर है, उसकी कंफर्मेशन मतलब आप उसकी इंटेंशन या कंफर्मेशन देखते हो। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब हमने टेंसेस किए थे तो टेंसेस में मैंने आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है। तो सेम थिंग कि क्वेश्चन टाइप का आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि कल बारिश हुई थी क्या, नहीं हुई थी क्या, तो आप उसका आंसर मुझे यस या नो में दोगे कि हाँ हुई थी या फिर नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटी सी एक डेफिनेशन थी क्वेश्चन टैग्स की। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो आपको क्वेश्चन टैग में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं देखनी, आपने थ्री नोट्स नोट कर लेने हैं क्वेश्चन टैग में, जो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है कि जिस सेंटेंस में आपने अपनी बात कही है ना, जैसे मैंने कहा आप कल स्कूल जाओगे, नहीं जाओगे क्या, तो ये फ्यूचर में मैंने बात कही है ना, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी उसी सेंटेंस में होगा। मैं ये नहीं कह सकती आप कल स्कूल जाओगे, नहीं गए थे क्या, तो ये कोई बात बनी नहीं ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आप कल स्कूल जाओगे, नहीं जाओगे क्या, तो दैट इज सेम सेंटेंस। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जिस सेंटेंस में आप बात कर रहे हो वही आपके क्वेश्चन टैग में भी यूज़ होना चाहिए। तो वो यूज़ द सेम टेंस। सेकेंड चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आप अपनी लाइन के साथ ही लास्ट में आपने जो भी सेंटेंस बोला है उसके साथ में आप क्वेश्चन टैग लगाते हो। तो आप इट मीन्स एक बार नाउन यूज़ कर चुके होगे कि राम कल मेरे घर आया था, नहीं आया था क्या, मतलब क्या वो नहीं आया था। तो राम हमने एक बार कह दिया, हमें पता है कि हम नाउन्स का यूज़ बार बार नहीं करते, तो हम क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, वी यूज़ प्रोनाउन क्वेश्चन टैग। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन टैग में जो है अपने क्वेश्चन टैग्स की जो है ना वो हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब की। तो अब आप ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स कैसे होती हैं, मोस्टली आपको पता भी होगा। देखिए जैसे अगर आपके पास है सेंटेंस में आपने क्वेश्चन टैग में जैसे आपने कहना है इजेंट, ऐसा नहीं है क्या, तो क्या आप इसको इसका कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म क्या होगा, इजेंट, इज नॉट का इजेंट। वैसे ही आर नॉट का आरंट, एक एक्सेप्शनल केस। आई एम नॉट का जो है वो ऐसे नहीं होता, एम एंटी नहीं होता, दैट इज सेम आरेंट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट इज वाज नॉट, इसका वाजंट। नेक्स्ट वर नॉट, इसका वरंट। हैज नॉट, हैजंट। Have not, haven't, हाँ, एक ये चीज भी याद रखने वाली है, will not का क्या होता है, want। ओके, ये चीज जो बिल्कुल डिफरेंट से है ना उसको स्पेशली अंडरलाइन कर लेना। ऐसे ही shall not का shan't। आफ्टर दैट कैन नॉट का, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा, कैन नॉट का कांट।
मस्ट नॉट का मसंट, यहाँ पे टी नहीं आता तो मसंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो आपको याद रखने हैं उनको ज़रूर नोट कर लेना। एम नॉट का डिफरेंट है थोड़ा सा, विल नॉट का और शैल नॉट का थोड़ा डिफरेंट है, ये चीज़ों को आप प्लीज़ अपने माइंड में रखना। उसके बाद देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स को, क्वेश्चन टैग टैग के बेसिक रूल्स। सो द फर्स्ट रूल इज कि अगर आपने जो बात कही है वो पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा, और नेगेटिव के लिए आप सबसे पहले इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करोगे, और उसके बाद आपको पता है कि आपने उसकी कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म यूज़ करनी है, तो नॉट नहीं एंड कोमा टी, ओके, आफ्टर दैट प्रोनाउन। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, सीता हैज नॉट कुक द फूड। ओ सॉरी, सीता हैज कुक्ड द फूड, राइट, ये पॉजिटिव पे हो, मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया, सीता हैज़ कुक्ड द फूड। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में है ना ये हमारा सेंटेंस, हमने क्वेश्चन भी इसी सेंटेंस में पूछना है, तो कैसे पूछेंगे हम, हैज़ हैज़न्ट शी, ओके, ये हमारा पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एरिया वेंट टू दिल्ली, डिडंट शी, ठीक है। तो ये आपको पता है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट में है, उसके नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट यूज करते हैं, इसीलिए हमने डिडंट का यूज किया। ओके, ये देखिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट और ये प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू दिस, जब आपका पॉजिटिव में हो सेंटेंस और उसके साथ आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो तो वो नेगेटिव में यूज़ करोगे, इतनी सी बात अपने माइंड में रखनी है आपने। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे रूल नंबर टू पर, अगर जो आप बात कह रहे हो वो नेगेटिव में है, आपका सेंटेंस नेगेटिव में है, उसके बाद आप क्वेश्चन टैग को यूज़ कर रहे हो तो क्या करोगे, बस हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना रहे थे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब नॉट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात ये है। ओके, तो कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यू डिड नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन टैग होता तो क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज़ करेंगे और उसके बाद प्रोनाउन डिड यू, बहुत ही इजी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग विद यू, एम आई, यहाँ पर आप एम ही यूज़ करोगे, अगर नेगेटिव में होता तब आप आरंट आई का यूज़ करते, बट जब इसको क्वेश्चन टाइप को आप पॉजिटिवली यूज़ करो तब आप एम आई ही कहोगे। ओके, तो मेनली तो आपके ये बेसिक दो रूल्स हैं। अब एक छोटी सी बात, नेगेटिव के लिए कुछ सेंटेंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सेंटेंस की नेगेटिविटी सिर्फ नॉट ही बताए, उसके लिए कुछ और भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो कौन से हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं, नेगेटिव वर्ड्स ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम,
बेयरली अनलेस लेस्ट फ्यू लिटल अंटल तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है? तो अगर नॉट की जगह पे ये वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है सेंटेंस में, ये वर्ड्स जो हैं जैसे यहाँ पर कहीं सेंटेंस में यूज हो जाते तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही रहता, तो क्वेश्चन टैग में आप वही सेम चीज यूज करते, क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, ओके? देन आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, ओके? अब देखिए नेक्स्ट है कि अगर आपके आपने जो सेंटेंस कहा है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है तो हमें पता है कि वो टैग के टाइम में, क्वेश्चन टैग के टाइम में उसका प्रोनाउन बन जाएगा, बट अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, दिस दैट दीज दोज, तो वो इस तरह चेंज होगा. अगर सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिस है तो वो क्वेश्चन टैग में इट हो जाएगा, दैट है तो इट हो जाएगा, दीज है दे, दोज है देन दे, वन है तो वन हो जाएगा, देयर है तो देयर, इट है तो इट. तो हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर क्वेश्चन टैग्स. फर्स्ट इज शी केम लेट. शी केम लेट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं तो नहीं है, अगर आपने टेंसेस को अच्छी तरह से रिवाइज किया हुआ है तो ये डिड की फॉर्म में आ जाएगा, डिडंट शी. शी किसकी वजह से? बिकॉज यहाँ पे यूज हुआ था. रीता नोज मी, डजंट शी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया और रीता का प्रोनाउन शी. द बॉय इज शाउटिंग, इज शाउटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सो इजेंट ही, ठीक है? इसका प्रोनाउन ये पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में. ये सारे पॉजिटिव में थे तो अभी तक क्वेश्चन टैग हमारे नेगेटिव में यूज हो रहे हैं. दिस इज योर बुक, ये भी पॉजिटिव में है. इजेंट इट, दिस को हमने किस में यूज किया? इट में, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया. वन शुड स्टडी हार्ड, शुडंट वन, ओके? नीता नेहा हैज नॉट गोन, ये नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव में. हैज शी मतलब नॉट का हम यूज नहीं करेंगे. राहुल डिडंट लाइक क्रिकेट, तो ये नेगेटिव में है, इट मीन्स हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज नहीं करेंगे. डिड ही डिड बिकॉज ऑफ द सेंटेंस एंड राहुल इज द प्रोनाउन, सॉरी ही इज द प्रोनाउन ऑफ राहुल. विशाल विल बी गिवन थ्री चॉइसेस, वॉन्ट ही बी, तो विल का क्वेश्चन टैग वॉन्ट, ही और बी जो पार्टिकल है वो हमें पता है कि वो हम नॉट के सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन में. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एम आई, नेगेटिव है तो एम आई. देयर वर 10 स्टूडेंट्स, वरंट देयर. तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ही नेक्स्ट लेक्चर में. इफ़ यू लाइक द दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एजुस्कैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.